मौसम बिगड़ने वाला है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं आप सभी को स्टूडियो के अंदर बताने वाला हूँ पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना हो सकता है। हालांकि इस मूवी ने रिलीज होने से पहले एडवांस बुकिंग के सारे मतलब रिकॉर्ड तोड़ के रख दी थी। आप सभी को पता होगा KGF 2 इतनी बड़ी मूवी थी जिसका दूसरा पार्ट था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था कल, आप सभी को पता होगा। लेकिन ऐसे में इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, कितना आने वाला है, ये सुनने के बाद आपके मतलब होश उड़ सकते हैं। क्योंकि नॉन हॉलीडे यानी कि आज छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं थी, कल हॉलीडे यानी कि 26 तारीख को आप सभी को बताऊंगा, कल 26 जनवरी कल छुट्टी, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। आज सब अपने ऑफिस वगैरह में बैठ के सब ड्यूटी पे थे, मतलब आज नॉन हॉलीडे था। मतलब इसके बावजूद भी कितने करोड़ कमाने वाली मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यार आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगले वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिर फर्स्ट डे कलेक्शन कितना आने वाला है पठान मूवी का। ऐसे में आप सोचा जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जो क्रिटिक्स बता रहे हैं उसके हिसाब से आप सभी को बता दें उसका तकरीबन 45 से 50 करोड़ के ऊपर आने वाला है। आप 50 करोड़ तो पकड़ ही लीजिए और अगर 50 करोड़ आया तो आप सभी को बता दूं ये पहली मूवी बन जाएगी इंडिया की जो नॉन हॉलीडे के दिन 50 करोड़ का बिजनेस करेंगी, मतलब 50 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेंगी, ये इंडिया की पहली फिल्म बन जाएगी। तो ऐसे में आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। मैंने आप सभी मेरे पिछले वीडियो के अंदर ही बता दिया ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है क्योंकि उसके अंदर हर वो चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में आप बता दूँ 50 करोड़ के करीब करीब तो पहुंचेंगी कल मूवी और मैं आप सभी को कल इसका ऑफिशियली आंकड़ा बताऊंगा। हालांकि आंकड़ा यही आने वाला है कि मैं आपको फिर भी कल इसका ऑफिशियल आंकड़ा बताऊंगा। जब इसका ऑफिशियली आंकड़ा आ जाएगा तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिले। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप अपडेट मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कहते हैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे।